सर विराज दत्त तो मेरा चुना गया है, मेरे लिए बहुत भावुक पल है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सामान्य कार्यकर्ता को भी बड़ा काम करने का अवसर देती है। आज मुझे फिर भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया है। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी, पर्यवेक्षक के रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दिल्ली से जिन्होंने कार्रवाई का संचालन किया, श्रीमान अरुण सिंह जी सहित केंद्रीय वरिष्ठ नेतृत्व का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। अपने विधायक भाई और बहनों का भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रदेश नेतृत्व का भी मैं हृदय से आभारी हूं। मन में संकल्प बस केवल यही है कि जो विश्वास व्यक्त किया है पार्टी ने, उस विश्वास को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दूंगा। पूरे समर्पण, निष्ठा और परिश्रम पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मध्य प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा, प्रयत्नों की परिसीमा करूंगा। लेकिन फिलहाल केवल एक लक्ष्य है, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोक के जनता को सुरक्षित करना, और इसलिए शपथ ग्रहण के तत्काल बाद मैं इसी काम में जुटूंगा। अपने कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से मैंने अपील की है, मैं फिर अपील करता हूं कि उत्सव का समय नहीं है, जश्न का समय नहीं है। कोई उत्सव ना मनाए, कोई सड़कों पर ना निकले, घर में रहकर ही भगवान से प्रार्थना करें कि अच्छी सरकार का अब संचालन हो जनता के लिए, प्रदेश के लिए। लेकिन हम कोई उत्सवी मूड में ना आए, एकमात्र लक्ष्य है कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकना, कोरोना महामारी को समाप्त करना, उसी काम में लगना है। और भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूं कि वो हमें शक्ति दे ताकि इस महामारी को हम रोक सकें, इसका खात्मा कर सकें। एक बार पुनः हमारे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, विधायक साथियों का और जनता जनार्दन का मैं